नाजरीन, इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों का पहला तबादला अब से थोड़ी देर पहले हो चुका है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने आई कि इजराइल के जो ड्रोन्स हैं और उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो गजा के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही हैं। कोई एक किलोमीटर के अंदर कई कई ड्रोन उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं, सर्विलेंस ड्रोन्स उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं, क्योंकि वो ऊपर से हॉस्टेजेस को भी ढूंढ रहे थे और टनल्स का भी सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे पिछले 47 दिन से लेके। लेकिन इस जंगबंदी का एक अहम जो एलिमेंट था, जो एक कंडीशन थी, वो ये थी कि इसराइल के जो ड्रोन्स और उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एयर स्पेस में मौजूद नहीं रहेंगे। तो इसकी जो एक वजह बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं की वो ये थी कि हमास वाले नहीं चाहते थे कि जब उनके जो हॉस्टेजेस जो उन्होंने लिए हुए हैं उनको जब वो टनल से बाहर निकालें तो वो नहीं चाहते थे कि इजराइल को पता चले कि किस जगह से उनके हॉस्टेजेस निकले हैं। ज़मीन के अंदर से ही ऑब्वियसली निकल रहे होंगे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि इजराइल को पता चले कि कहाँ से जो है हॉस्टेजेस वो बरामद हुए। लेकिन इसके बावजूद भी ऑब्वियसली इसराइल जो है वो इतना सस्ते में मानने वाला मुल्क है नहीं, तो माना ये जा रहा है कि ट्रूस के बावजूद भी खामोशी के साथ उनकी जो नज़र है वो पूरे गजा के ऊपर रही होगी, सिर्फ ये जांचने के लिए कि आखिर गजा का वो कौन सा कॉर्नर है, वो कौन सी चीज़ उनसे छूट गई है जहाँ से ये हॉस्टेजेस बाहर निकल रहे हैं, यानी नॉर्थ के अंदर हैं या साउथ के अंदर हैं ये भी इनको नहीं पता। तो बड़ा केयरफुली देख रहे थे कि कहाँ से निकल रहे हैं ताकि हम अगर कोई हल्की सी भनक भी हमें पड़ जाए तो हम वहाँ जाके बाकियों को बरामद कर लें, हो सकता है उधर कुछ मजीद भी मौजूद हों। लेकिन हुआ ये कि ये सारा गजा के ऊपर फोकस करके बैठे हुए थे कि अचानक से इनके जो 13 हॉस्टेजेस थे वो बरामद हुए रफा क्रॉसिंग के पास, इजिप्ट के पास बरामद हुए। अब ये एक तरह से सरप्राइजिंग भी था उनके लिए कि वो देख उधर रहे थे और निकले दूसरी जगह से, और इजिप्ट के अंदर उन्होंने रफा क्रॉसिंग के पास उनको दे दिया, अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया। तो शैनबेथ जो कि इज़राइल की खुफिया एजेंसी है उनके लोग हॉस्टेजेस के साथ इस वक्त वहाँ रफा क्रॉसिंग के पास जो है वो बातचीत उनके साथ कर रहे हैं। मीनवाइल रफा क्रॉसिंग से आज फ्यूल के 4 ट्रक, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूल मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो चुका है वहाँ गजा के अंदर, हॉस्पिटल्स के पास भी फ्यूल नहीं है, तो ये जो फ्यूल है पहली फुर्सत में जाएगा हॉस्पिटल्स के पास ताकि जनरेटर्स उनके ऑन हो दोबारा और वहाँ पर जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स बंद हो गए हैं बिल्कुल वो दोबारा से चालू करवाए जा सकें ताकि वहाँ जो मरीज मौजूद होते हैं उनकी जान बचाई जा सके। तो 4 फ्यूल के ट्रक हैं और इसके अलावा 150 ट्रक मजीद वहाँ पर खाने पीने की अशिया और दीगर जो चीज़ें हैं वो लेकर पहुँचे हैं। ये सिलसिला जो है ट्रक्स की आमद का ही अगले 3-4 रोज तक मजीद जारी रहेगा जब तक ये जंग बंदी चलती है। अच्छा, जबकि वहाँ उनके जो हॉस्टेजेस हैं फलस्तीनी जो प्रिजनर्स इजरायली जेलों में मौजूद थे उनको कोई किसी के हवाले करने की ज़रूरत नहीं है इजराइल को, यानी वो हमास के हवाले करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वेस्ट बैंक से जिनका ताल्लुक है, इन 39 में से बहुत सारे ऐसे हैं, 40% बच्चे हैं वैसे उन 39 हॉस्टेजेस में जो कि इजराइल के पास थे, तो उनको सिंपली ये सिर्फ जेल से रिलीज़ कर देंगे और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका घर जो है वो उसी पुलिस स्टेशन के करीब है जहाँ पे इनको रखा गया है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, तो वो भी आज जो है वो उस पे अमल जारी है और उनके भी जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि इजिप्ट के जो सीसी साहब हैं, अब सीसी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला पेश किया हुआ है और अगर इस पे अमल होता है तो फिर मसला फलस्तीन के हल के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल सकती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। सीसी ने कहा है कि ये जो फलस्तीन की रियासत हम चाहते हैं, टू स्टेट सोल्यूशन की बात तो हम कर रहे हैं कई डेकेड से लेके, सारी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इस पे किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, एडवांसमेंट कोई नहीं हुई। तो अब एक काम कर सकते हैं कि ये जो फ्यूचर की फलस्तीनी रियासत होगी, इजरायलियों को सिक्योरिटी के कंसर्न है ना कि इनसे हमें सिक्योरिटी कंसर्न होगा और ये सब कुछ, तो सीसी ने कहा एक काम करते हैं, उस फलस्तीनी रियासत के अंदर हम लोग कोई फ़ौज नहीं रखते, पुलिस और फौज नहीं होगी, बल्कि कोई इंटरनेशनल फोर्स, कोई ऐसी फ़ोर्स जिनमें बहुत सारे मुल्क हों, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस, मिसाल के तौर पर नेटो की फोर्सेस, उनको वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए लगा देते हैं उस एरिया के अंदर, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि इसको आप इन एरियाज़ को मुल्क तस्लीम कर लें फलस्तीन का, इसी ने कहा है।
यानी गजा और वेस्ट बैंक के अंदर फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल फोर्स जाती है और इसके अलावा कुछ और एरियाज फलस्तीन के उनको दिए जाते हैं, तो ये सारा जो है ना मिला के फलस्तीन की रियासत कायम कर ली जाए और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले, यूनाइटेड नेशंस उसको मुल्क मान ले, और वो जो मुल्क होगा वो एक ख़ास टाइम फ्रेम तक इंटरनेशनल फोर्सेस की निगरानी में रहेगा, उनकी सिक्योरिटी जो है वो इंटरनेशनल फोर्सेस के पास रहेगी, मुल्क रहेगा अपनी जगह पे, फलस्तीन का मुल्क कायम हो जाएगा और बाकी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले। ये सीसी की तरफ से एक डिमांड सामने आई है। और अगर देखा जाए तो हालात भी कुछ उस तरफ जा भी रहे। वैसे आप देखें कि ये बातें हो रही हैं ना कि वहाँ इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय किया जाए, मतलब नेतन्याहू तो कह रहा है ना कि मैं यहाँ हमास को नहीं आने दूंगा, मैं फलस्तीनी अथॉरिटी को नहीं आने दूंगा, तो वहाँ से इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो पीस कीपर्स की बात पे एग्रीड है सारी। तो इसी के चलते सीसी साहब ने एक ऐसा फार्मूला दिया है जो कि प्रैक्टिकल भी है और इससे मसले के हल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल सकती है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि इजिप्ट अल सीसी सेज फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट कुड बी डीमिलिटराइज्ड। अल सीसी स्पोक आफ्टर अ मीटिंग विद द स्पेनिश एंड बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर्स एज दे ट्राइड टू शोर अप सपोर्ट फॉर अ पीस कॉन्फ्रेंस। और इसमें सीसी साहब के अल्फाज को अगर हम देखें उनके एग्जैक्ट वर्ड्स के लिए, मैं आपको अल जज़ीरा दिखाता हूँ। वो कहते हैं, वी सेड दैट वी आर रेडी फॉर दिस स्टेट टू बी डीमिलिटराइज्ड एंड देर कैन ऑल्सो बी गारंटीज ऑफ फोर्सेज वेदर नेटो फोर्सेज। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहे हैं अगर आपको शक है ना तो नेटो फोर्सेज ही उनकी कंट्रोल में दे दें इनकी सिक्योरिटी, लेकिन एक स्टेट बनाए, वेदर नेटो फोर्सेज, यूनाइटेड नेशंस फोर्सेज और अरब और अमेरिकन फोर्सेज, अंटिल वी अचीव सिक्योरिटी फॉर बोथ स्टेट्स, द नेसेंट पैलेस्टीनियन स्टेट एंड द इजरायली स्टेट। तो ये आज जो है सीसी साहब ने बात की है, और मौजूदा हालात अगर आप देखें तो बहुत सारे जो दुनिया के पावर ब्लॉक्स हैं वो इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे, क्योंकि सबसे मेन मसला ये है कि फलस्तीनियों की कोई रियासत बनाई जाए। सबसे बुनियादी मसला तो ये है ना, फिलहाल तो उनकी कोई रियासत ही नहीं है, कौम मौजूद है, कौम है, रियासत नहीं है उनकी, मुल्क नहीं है। लिहाजा ये जो बात उन्होंने की है ना कि नेटो की फोर्सेज को भी यहाँ पर फलस्तीनी रियासत के अंदर लाया जा सकता है एज अ पीस कीपर फॉर अ सर्टेन टाइम, तो मेरे ख्याल से इसमें वेस्ट की भी बहुत सारी जो कुवतें हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकते हैं इसके अंदर।